लोग कहते हैं मैडम आप उस यूनिवर्सिटी में ब्राह्मणगढ़ में रहकर ऐसा कैसे करें, हमको तुमको किसी ने रोका है? तुम्हारी नौकरी तुमको बाबा साहब ने दी है, उन लोगों ने थोड़ी दी है, बीएचयू वालों ने नौकरी। तुम बाबा साहब के संविधान को पढ़ करके यहाँ तक तुम पहुंचे हो, अपनी योग्यता पे यहाँ तक पहुंचे हो, आरक्षण का तुमको लाभ मिला, तुमको किसी ने रोका है? तुमको भी 1 लाख सैलरी मिल रही, मुझे भी मिल रही, आप तो प्रोफेसर, आपको 1.5 लाख रुपए मिल रही होगी, 2 लाख रुपए मिल रहे हो, किसी ने रोका है आपको? लेकिन उस 1 लाख रुपए सैलरी से आप 50,000 रुपए इंस्टॉलमेंट भरोगे अपने घर की, हाँ, बीवी को हर 6 महीने बाद एक अंगूठी खरीदवाओगे, बेटे को आप हर हफ्ते पिज्जा बर्गर खिलाओगे। तो इस काम के लिए नौकरी थोड़ी मिली थी आपको, एहसास करिए, बहुत दिन तक ये सुख सुविधा रहने वाला नहीं है, ये टेंट भीग गया है। बाबा साहब का संविधान भी ऐसे कचरा करने की कोशिश कर रहे हैं, एससी एसटी एक्ट को जो कमजोर करने का प्रयास किया, ये उसी संविधान को गीला करने का एक कदम है। तो देखिए हवा चल रही है, हवा चल रही है, और ये टेंट धीरे धीरे सूख रहा है। तो भले मनवादी हवा चल रही है, तो क्या 2019 में अंबेडकरवादी सुनामी ला करके इन सारी मनवादी व्यवस्था को हम लोगों को भगा करके बाहर करना, निकाल के बाहर करना है। और ये महाराष्ट्र के ऊपर कर्जा है बाबा साहब का, कर्जा है मान्यवर कांशीराम का। दो दो महापुरुष आपकी इस धरती से निकल के गए, और फिर भी आजादी के इतने साल के बाद में भी आप अपना शासन सत्ता नहीं लेकर के आए। 2019 में फिर ये लोग बोलेंगे तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। आप इनसे पूछिए, और बल्कि मैं आपसे पहले पूछती हूँ कि मुझे एक बात बताइए, आपके आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? कोई मुसलमान कर रहा है? बताइए कौन कर रहा है? मनुवादी कर रहे हैं। आपके बेटे रोहित वेमुला को फांसी पर चढ़ने के लिए क्या किसी मुसलमान ने मजबूर किया था? आपकी बेटी आसिफा को 8 दिन तक मंदिर के अंदर बंद करके दरिंदों की तरह नोच के पत्थर से उसका सर फोड़ करके क्या किसी मुसलमान ने यह काम किया था? बताइए। अभी उन्नाव में अपनी एक बेटी के साथ में इसी तरीके का काम हुआ, बलिया में अपनी एक बेटी को जिंदा जला दिए, रात में सो रहे थे, उत्तर प्रदेश में बलिया एक डिस्ट्रिक्ट है, यह काम किसी मुसलमान ने किया क्या? आपको जाति व्यवस्था में क्या किसी मुसलमान ने बांटा क्या? बताइए। आपके साथ छुआछूत भेदभाव क्या कोई मुसलमान कर रहा है? आपको शासन सत्ता में आने से रोकने के लिए क्या कोई मुसलमान प्रयास कर रहा है? नहीं, तो फिर आपका दुश्मन मुसलमान कैसे हुआ? कैसे हुआ फिर? ये कैसे लोग हैं जो टीवी पर रोज बहस दिखाते हैं कि तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है? आज आप इस दीक्षा भूमि से मैं जो बात कह रही हूं, रोजाना 1 घंटा अपने समाज में निकलिए, भले 10 लोग हों, भले 20 लोग हों, और उनके बीच में जाकर के बोलिए कि हमारा दुश्मन मुसलमान ना तो था, ना है, और ना ही कभी होगा। और इसका प्रमाण भी मैं आपको दे रही हूं, इसका प्रमाण भी मैं आपको दे रही हूं कि जब हमारे बाबा साहेब लंदन में गोल में सम्मेलन में हमारे लिए 2 वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी मोहम्मद अली जिन्ना और सर आगा खान नाम के 2 मुसलमानों ने बाबा साहब का सहयोग किया था, किसी मनवादी ने नहीं सहयोग किया। हमारे बाबा साहब जब महाड़ में पानी का सत्याग्रह कर रहे थे, उस सत्याग्रह को करने के लिए भी एक मुसलमान ने अपनी जमीन दी थी, जिसपे बाबा साहब खड़े होकर के अपना भाषण किए थे। हमारे ज्योतिबा राव फूले जो औरत की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोले, उस स्कूल को खोलने के लिए भी उस्मान शेख नाम के एक मुसलमान ने अपनी जमीन दी थी। उस्मान शेख की पत्नी हमारी अजीज, हमारी अम्मी फातिमा शेख, वो दूसरी मुस्लिम महिला थी जिसने औरतों की शिक्षा के लिए माता सावित्री बाई फूले के साथ में रोज कीचड़ और गोबर सहती थी। हमारे बाबा साहेब जब संविधान सभा में नहीं जाने दिया इन लोगों ने, तो ये बोला था कि ये तेली तमोली कुनबी कुनभटो को क्या संसद में जाकर के हल चलाना है? इन्हीं लोगों ने बोला था बाबा साहेब तुम्हारे संविधान सभा की खिड़की दरवाजे तो क्या रोशन दान तक बंद हैं। और तब ऐसे हालात में मैंने अभी आपको बोला था ना कि बंगाल के 48% मुसलमानों ने बाबा साहब को चुन करके संविधान सभा में भेजा, जो बाबा साहब भारत का संविधान लिख पाए। तो कैसे दुश्मन हुआ आपका? आप मुझे ये बताइए कि हमारे बाबा साहेब जब मालवी जी, जिनके इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाती हूँ, मदन मोहन मालवी बाबा साहब के हाथों का पानी पीने के लिए तैयार नहीं थे, उस समय मौलाना हजरत मोहानी ने अपने घर में रोजा इफ्तार की दावत दिया और अपनी प्लेट में बाबा साहब को बैठा करके खाना खिलाया, तो मुसलमान ने तो आपके साथ छुआछूत भी नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है, मैं धन्यवाद करती हूँ मैडम आपका, बेनजीर मैडम, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो हमारी बेनजीर मैडम के पास अवसर था पाकिस्तान जाने का, लेकिन मैं हाथ जोड़ करके आपको शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने कहा कि नहीं, ये भारत देश हमारी जन्मभूमि है, ये भारत देश हमारी कर्म भूमि है, अपने देश को छोड़ करके हम कहीं नहीं जाएंगे। तो जब ऐसा ऐसा हमारे मुसलमान भाइयों ने हमारे साथ में किया, तो आपका दुश्मन मुसलमान कैसे हुआ? तो आपका दुश्मन है कौन?
सबसे बड़ी बात है, दुश्मन कौन है आपका ये जानिए। आपका दुश्मन वो है जिसने आपको जाति व्यवस्था में बांटा। आपका दुश्मन वो है जो आपके बाबा साहब के संविधान को खत्म करने के प्रयास कर रहा है। आपका दुश्मन वो है जिसने आपके बेटे रोहित वेमुला को फांसी पे चढ़ने के लिए मजबूर किया। आपका दुश्मन वो है जो आपके आरक्षण का विरोध करता है, जो बाबा साहब की उंगली तोड़ता है, चश्मा तोड़ता है, हाथ तोड़ता है, और ये काम मुसलमान कभी नहीं करता। इसलिए 2019 में ध्यान रखिएगा कि आपको ये काम आज से शुरू करना है। अभी 7-8 महीना इलेक्शन के लिए है, ये काम आज से शुरू करना है। फिर से बोलेंगे ये सारे हिंदू एक हो जाओ, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है, कहते हैं मुसलमान गद्दार है। अरे अगर मुसलमान गद्दार है तो इन गद्दारों को दामाद किसने बना के रखा है? हमने बनाया, हमने बनाया। तुम दामाद भी बना लो तो कोई बात नहीं, और हम एक साथ अमन चैन से रहने देंगे, रहने की कोशिश करेंगे। तो तुम हमको मारोगे? तुम हमको कभी इखलाक के नाम पे, कभी किसी के नाम पे तुम हमको मारोगे, पीटोगे? ये सब काम हमारे लिए करोगे? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 2017 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ, इन लोगों ने यही नारा दिया, सारे हिंदू एक हो जाओ, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। और सभी लोगों को लगा कि सच में वो हिंदू हैं, और ये कहा कि चमारों को छोड़ो, ये हाथी वाले हैं, अहीरों को छोड़ो, ये तो साइकिल वाले हैं। और बाकी सबको कहा कि सारे हिंदू एक हो जाओ। सारे लोगों को गलतफहमी हुई कि सच में हिंदू है, इसीलिए फोटो दिखाए शाहरुख खान का, ब्याह करा दिए अमरीश पुरी से। यही हुआ उत्तर प्रदेश में 2017 में, और यह काम शायद महाराष्ट्र में रेगुलर होता रहता होगा। मुझे बहुत ज्यादा राजनीति की बात नहीं करनी। अंत में मैं आपको बस इतना कहूंगी कि जो हमने साहब कांशीराम का नारा था, उस नारे को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, और उस नारे को हम हर गांव में जाकर के, रोजाना हम गांव में जाते हैं, अपनी पूरी 2-1.5 महीने छुट्टी, गांव की जो छुट्टियां होती गर्मी की, वो हम गांव में अपने लोगों को जागरूक करने में लगाते हैं। और इसी नारे को हमने दिया है कि बहुजन समाज के 3 कप्तान, दलित, पिछड़ा और मुसलमान। इस नारे को आप महाराष्ट्र में भी चरितार्थ कीजिए। और एक नारा और इसके साथ साथ में चल रहा है, वो नारा हमने दिया है कि चमचागिरी छोड़ दो, शासक बनने पे जोड़ दो। चमचा बन के रहोगे तो थोड़े समय का फायदा होगा, राजा बन के रहोगे तो तुम्हारी अगली पीढ़ी भी राजा बनने के लिए ही हमेशा ख्वाब देखेगी, सपना देखेगी। तो इन्हीं सारी बातों के साथ में मैं मैंने फेसबुक पे ये पोयम पढ़ी थी, और इसी वजह से ये आवाज़ केवल मेरी नहीं है, ये आवाज़ आप सब लोगों की है, ये आवाज़ उस आसिफा बेटी की है, ये आवाज़ रोहित वेमुला की है, ये आवाज़ हमारे सारे बहुजन समाज की है। वो आवाज़ है कि जब जुल्मतें बढ़ जाएं बहुत, ये जुल्म जो कर रहे हैं हमारे ऊपर, जब जुल्मतें बढ़ जाएं बहुत, एक लौ जलाना लाजिम है, जब हाकिम ही गुमराह करे एक आवाज उठाना लाजिम है, जब कातिल संग हाकिम हो, हर लब पर एक पहरा हो, जब सहमी सहमी गलियां हो, जब खौफ का आलम गहरा हो, आवाम जगाना लाजिम है, आवाज उठाना लाजिम है, आवाज उठाने के लिए तैयार हो जाइए। जब कातिल उतरे सड़कों पर, यह मैं आसिफा के लिए डेडिकेट कर रही हूं, जब कातिल उतरे सड़कों पर, जब मुंसिफ ही घबराने लगे, 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आकर के बोला था कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है, जब मुंसिफ ही घबराने लगे, जब ताले लबों पे लग जाए, जब अपने आग लगाने लगे, इल्जाम लगाना लाजिम है, आवाज उठाना लाजिम है। हम गौरी लंकेश नहीं बनना चाहते, हम कलबुर्गी नहीं बनना चाहते, हम